हेलो मेरे भविष्य के वी डॉक्टर साथियों कैसे हो आप सब उम्मीद है आप सभी ठीक हो और आपकी जो प्रिपरेशन है वी एंट्रेंस एग्ज़ाम की वो भी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी और यहाँ पे वी एल कैंपस चैनल पे हम आपको दो क्लास डेली प्रोवाइड कर रहे हैं सुबह दस बजे बायोलॉजी की और शाम को पाँच बजे मैथ्स की और बच्चों धीरे धीरे जो वीडियोज हैं हम कोशिश करेंगे बढ़ाने की कुछ बच्चों का जो कमेंट्स आ रहे हैं कि सर केमिस्ट्री क्लास कब लगेगी और फिज़िक्स की क्लास कब लगेगी तो बच्चों टेंशन ना लो आपका सिलेबस पूरा करवाएंगे ठीक है कोशिश हमारी यही है कि आपका जो साइंस का और मैथ्स का पूरा का पूरा सिलेबस करवाएं ठीक है और क्लासेज हम जल्दी ही जो केमिस्ट्री या फिज़िक्स की क्लास जल्दी ही स्टार्ट करेंगे आपकी जो क्लासेज़ का नंबर है वो धीरे धीरे बढ़ाएंगे ठीक है जैसे जैसे आप इंटरेस्ट लेने लगोगे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करोगे हमें लगेगा कि हाँ जी बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो उसी तरह से हम फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास भी स्टार्ट कर देंगे टेंशन मत लो बस तुम लोग ना तैयारी पर जुट जाओ भाई ठीक है आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मैथ्स का आज का नया कंसेप्ट वो है पोलिनोमियल्स और बच्चों ये जो पोलिनोमियल चैप्टर है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ठीक है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं पेपर में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो भी बता दूंगा पहले इसकी थ्योरी समझ लो आप लोग ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए जैसे ए पोलिनोमियल एक्स सबसे पहले हम बात यही पढ़ रहे हैं कि पोलिनोमियल क्या है पोलिनोमियल एक्स इज एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है किस फॉर्म का एक्सप्रेशन है बच्चों ये ए एन एक्स की पावर एन ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन ठीक है यानी कहने का मतलब सिंपल सा एग्जांपल कि जैसे हम लिखते हैं क्या भाई ए एक्स क्या लिखते हैं ए एक्स प्लस बी तो ये किसका एग्जाम्पल है एक्सप्रेशन का इसमें जो हमारे इसने दे रखा है ए एन ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू और ए वन और ए जीरो क्लास में पढ़ा था जो हमारी पहली क्लास लगी थी मैथ्स की उसमें मैंने आपको बताया था किसी बच्चे ने वो वीडियो ना देखी है तो जरूर देख ले भाई ठीक है एंड द पोलोमल इज ए डिग्री ऑफ एन पोलोमल की डिग्री कितनी होती है एन 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 इज द लीडिंग कॉफिशियंट एंड ए नोट इज द कॉन्स्टेंट टर्म और जो इसने कहा ए एन इज द लीडिंग कोफिशियंट कोफिशियंट है इसका मतलब कि जो ये आगे वाले नंबर्स है ये कोफिशियंट्स है ये आपके वेरिएबल्स है जो इनमें हाइएस्ट पावर होगी वो आपकी हो जाएगी डिग्री कोई दिक्कत नहीं अगर समझ नहीं आई तो आगे सारी एग्जाम्पल्स के साथ करवाऊंगा वहां समझ आ जाएगी बच्चों अब आइए नेक्स्ट टर्म पे इसने कहा कि अब हम जो बात कर रहे थे लीडिंग टर्म की कोफिशियंट की वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा ठीक है ध्यान से देखिए यहां सबसे पहली जो बात हमें समझनी है वो ये है कि जो ये एफ एक्स है ये फंक्शन ऑफ पोलिनोमियल है किसका फंक्शन है एक पोलिनोमियल का फंक्शन है बच्चों तो इसको हमें अच्छे से समझना है यहाँ दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ प्रॉब्लम आ गई इन बातों को समझने में तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी भाई इन बातों को आराम से समझ लेना ठीक है तो सबसे पहली जो बात हमारी है एफ एक्स हमारा फंक्शन है पोलिनोमियल का ठीक है और जो ये दिखा रहा है लीडिंग टर्म है ये जो वेरी फर्स्ट हमारी टर्म है लीडिंग टर्म है ठीक है और इसमें जो ए एन है ये कॉफिशियंट है किसका एक्स एन का और जो ए एन माइनस वन है ये भी कॉफिशियंट है किसका एक्स की पावर एन माइनस वन का और एक बच्चों जो इम्पोर्टेंट बात है टर्म की तो ये जो अलग अलग हैं ये क्या है टर्म्स हैं ये क्या कहलाएगी टर्म्स जब आपके कोफिशियंट्स और वेरिएबल्स मिल जाएंगे ना उस टाइम क्या कहलाएगी टर्म्स ठीक है और इसके अंदर जो एक्स लगा हुआ है ना ये वेरिएबल है आपका अब आप कहोगे सर ये वेरिएबल क्या होता है तो भाई वेरिएबल क्या होता है कि जैसे मैं कहता हूँ एक्स प्लस वन है एक्स की वैल्यू अगर ये जीरो के बराबर हो तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी माइनस वन दूसरी बार कहूँ कि एक्स प्लस टू है जीरो के इक्वल x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस टू तो बच्चों यहाँ x की वैल्यू माइनस वन आ रही है यहाँ x की वैल्यू क्या आ रही है माइनस टू दोनों जगह x की वैल्यू क्या हो रही है चेंज हो रही है वेरी हो रही है इसलिए इस x और y और z जो भी a टू z हम यूज कर रहे हैं इनको क्या कि वेरिएबल्स uh, बोला जाता है क्योंकि इनकी वैल्यू कहीं भी फिक्स नहीं होती इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है इसलिए इनको पोलोमिल्स में क्या कहा जाता है वेरिएबल्स और इसके बाद ये हमारा क्यूबिक टर्म आ गई ठीक है ये लीनियर टर्म आ गई ये क्वाड्रेटिक टर्म आ गई ये कॉन्स्टेंट टर्म आ गई कॉन्स्टेंट टर्म बच्चों कौन सी होगी जिसके साथ कोई एक्स वाई जेड नहीं लगा होगा सीधा लिखा आ जाए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वो क्या कहलाएंगे कॉन्स्टेंट कहलाएंगे और क्वाड्रेटिक टर्म कौन सी होती है जब x की जो पावर टू होगी क्वाड्रेटिक टर्म होगी x की पावर थ्री होगी तो क्यूबिक टर्म होगी x की पावर वन होगी तो लीनियर टर्म कहलाएगी उम्मीद है ये बातें समझ आ गई इनको और आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा आप लोगों का काफी सारे एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों के लिए लिए हैं ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है बच्चों अच्छे से क्लियर हो जाए तो वेरी फर्स्ट जो एग्जाम्पल देखिए आप ये कह रहे हैं कि फोर एक्स वाई स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स जैसे ये चीज दे दी माइनस क्या है फाइव तो इसमें जो मैंने कहा था ये क्या कहलाएगी आपकी टर्म ये भी क्या है टर्म ये भी क्या है टर्म ठीक है और अब इसमें क्या है इसमें देखो भाई टर्म्स तो हमें समझ आ गए भी ये चीनों चीजें टर्म होती है जब टर्म्स को हम क्या है प्लस और माइनस करते हैं ऑपरेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो वो बन जाता है आपका पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन और ये जो पोलिनोमियल है ना वन वेरिएबल का नहीं है इसमें हमारे जो वेरिएबल्स हैं दो हैं एक एक्स वेरिएबल है और एक कौन सा वेरिएबल है वाई वेरिएबल है और बच्चों डिग्री की बात करें किसकी बात करें डिग्री की बात करें तो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर वे किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या कहलाएगी आपको डिग्री कहलाएगी उस इक्वेशन की जैसे यहाँ एक्स की पावर वन है ठीक है यहां y की पावर टू है तो यहां वेरिएबल्स की जो हाइएस्ट पावर है वो कितनी हो गई थ्री क्योंकि यहां एक्स की पावर क्या है वन तो दोनों की पावर जोड़ेंगे तो वेरिएबल्स की हाइएस्ट पावर थ्री हो गई तो ये थ्री डिग्री की इक्वेशन है बच्चों कोई दिक्कत नहीं है समझ नहीं आया तो आगे वाले एग्जाम्पल में बहुत सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएगी तो बच्चों इस एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़िए फाइव एक्स वाई स्क्र माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव वाई की क्यूब माइनस थ्री दे रखा है तो जो ये पावर हैं इन पावर्स को एक्सपोनेंट भी कहा जाता है माइंड में रख लेना बात ये जो अकेला थ्री है इसको कॉन्स्टेंट कहा जाता है क्या कहा जाता है कांस्टेंट कहा जाता है ठीक है ये y, ये x और ये x और ये y ये आपके क्या कहलाएंगे वेरिएबल कहलाएंगे ये फाइव है ये कोफ़िशेंट है बच्चों एक्स वाई स्क्वेयर का ये थ्री है ये कोफिसियंट है एक्स का ये फाइव है कोफिसियंट है वाई की क्यूब का और यहाँ माइनस का साइन हो तो माइनस का साइन साथ रखना है ध्यान रख लेना जैसे दोबारा बता दूँ आपको मैं कि एक्स वाई स्क्वेयर का कोफिसियंट फाइव है और x का कोफिशियंट माइनस थ्री है y क्यूब का कोफिशियंट फाइव है कांस्टेंट टर्म माइनस थ्री है ठीक है समझ गए मेरी बात उसके बाद इनको अब हम पहचान कैसे करेंगे कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है तो बच्चों सीधी सी बात सिंपल सी बात बताऊं कि जब पोलिनोमियल की पावर क्या हो पॉजिटिव हो इनकी पावर क्या हो प्लस की हो ठीक है और क्या हो प्लस की हो और आपका होल नंबर हो क्या हो प्लस की हो और होल नंबर हो होल नंबर क्या होते हैं जीरो तो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं होल नंबर तो मैंने आपको यहाँ बात ये यह कही कि पॉलीनोमियल्स पो, पोल, वही होंगे जो पॉजिटिव होंगे और होल नंबर्स होंगे तो अब एक छोटी सी बात इस एग्जाम्पल में देखिए क्या है? ये आपका पोलिनोमियल है आप कहोगे सर नहीं है क्यों नहीं है भाई क्योंकि इनकी पावर क्या आ गई माइनस टू क्या ये पोलिनोमियल है आप कहोगे सर नहीं है क्यों क्योंकि ये डिनोमिनेटर और नमिनेटर की फॉर्म में है नमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है यानी सिंपली कहें तो एक जो रैशनल नंबर है उसकी फॉर्म में है तो ये हमारे पोलिनोमियल्स नहीं हो सकते पोलिनोमियल सिर्फ और सिर्फ क्या होगा जिसकी पावर पॉजिटिव होगी और पावर क्या होगी होल नंबर होगी यानी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए बिन में नहीं होना चाहिए माइनस में नहीं होना चाहिए स्क्वेयर रूट में नहीं होना चाहिए ठीक है वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे भाई पोलिनोमियल्स उसके बाद हैं पोलिनोमियल्स के बारे में कुछ बातें के टर्म्स की बात करेंगे टर्म क्या होती है मैंने आपको बताया था क्या बताया था भाई जैसे हम कोई इक्वेशन लिखेंगे जैसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्र तो ये एक्स स्क्र आपकी एक टर्म है जैसे लिख दिया इसके साथ फोर एक्स वाई तो फोर एक्स वाई भी आपकी क्या है एक टर्म है अब डिग्री ऑफ मोनोमियल की बात कर रहा है डिग्री ऑफ मोनोमियल मोनोमियल यानी इसके जो हम बात करते हैं पोलिनोमियल्स का तो पोलिनोमियल्स के काफी सारे टाइप्स हैं जैसे अब मोनोमियल की बात करेंगे तो सबसे पहले हम टर्म के आधार पे बात करेंगे भाई टर्म्स के आधार पे ये कितनी तरह के होते हैं ठीक है तो वो बातें भी करेंगे तो सबसे पहले अब मोनोमियल क्या होगा सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ ऑल इट्स वेरिएबल्स क्योंकि जो सारे के सारे वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर्स हैं उनको हम क्या कहेंगे डिग्री ऑफ मोनोमियल और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा इसको ध्यान से पढ़ लो भाई द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ एनी टर्म इन हम क्या कहेंगे घबराइए नहीं एग्जाम्पल देखिए पढ़ते रहो सीखते रहो मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी बस खुद में विश्वास रखते रहो भाई अब आते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पर तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर हैं तो बच्चों मैंने कहा था आपको कि जैसे फोर एक्स प्लस फाइव वाई प्लस सिक्स ये हमारी क्या है टर्म्स है फाइव वाई भी टर्म, है, 5y भी टर्म 6 भी क्या है आपकी टर्म है तो उसी तरह से मोनोमियल जिसमें एक टर्म होगी उनको हम कहेंगे मोनोमियल जिसमें दो टर्म होगी उनको हम कहेंगे बाइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स होगी उनको कहेंगे ट्राइनोमियल और जिनमें चार टर्म होगी ठीक है उनको या हम कहेंगे भी तीन से ज़्यादा जो टर्म्स हैं उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे उस इक्वेशन को उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहेंगे पोलिनोमियल मैंने कहा जिसकी टर्म एक है मोनोमियल जिसकी टर्म दो है बाइनोमियल जिसमें टर्म्स तीन है ट्राइनोमियल जिसमें काफ़ी सारी टर्म्स हैं तीन से ज़्यादा टर्म्स हैं वो क्या कहलाएंगे आपके पोलिनोमियल्स ठीक है बच्चों अब नेक्स्ट जो बात आती है एंड पोलिनोम फंक्शन की यानी जो टाइप्स ऑफ पोलिनोम पढ़े हैं एक बार उनके एग्जाम्पल्स और ले लेता हूं ताकि टॉपिक आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए अब मोनोमियल क्या होगा जिसमें क्या हो एक टर्म देख लो भाई एक टर्म एक टर्म एक टर्म एक टर्म एक टर्म तो ऐसे जो नंबर है मोनोमियल के लाएंगे बायनोमियल क्या होंगे जिनमें दो टर्म्स होगी जिनमें दो टर्म्स होगी उनको हम क्या कहेंगे बाइनोमियल जिनमें तीन टर्म्स होगी उनको हम क्या कहेंगे ट्राइनोमियल तीन से ज्यादा होगी उनको हम क्या कहेंगे पोलिनोमियल अब है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल किसके आधार पर भाई डिग्री के आधार पर ठीक है अब डिग्री क्या होती है उस चीज को ध्यान से समझ लो जैसे मैंने लिखा जैसे ये टू एक्स स्क् प्लस फाइव इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर देख लो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है दो है तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी दो जैसे इस पहले एक्सप्रेशन में देखो x की हाइएस्ट पावर कितनी है एक है तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी एक हो जाएगी तो जितनी हाइएस्ट पावर होगी उतनी ही क्या हो जाएगी डिग्री हो जाएगी जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वन इसकी डिग्री बता दो लाइव चैट में फटाफट से कितनी होगी बच्चों इसके क्वेश्चंस भी आज की वीडियो में कुछ डिस्कस करेंगे जैसे आपके एग्जाम में आते हैं इसके बाद दो प्रैक्टिस सेट और करेंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं टेंशन नहीं लेना बिल्कुल अच्छे से तैयारी करवाएंगे तो इसकी डिग्री बताओ कितनी होती है तो बच्चों इसकी डिग्री कितनी होगी एक्स है एक्स की पावर कितनी है यहाँ एक्स की पावर एक ठीक है y की पावर भी कितनी एक तो इस पहले वाली टर्म की डिग्री कितनी हो गई दो दूसरी की डिग्री कितनी है एक तीसरी की भी तीसरी की भी है जीरो तो हाइएस्ट डिग्री कितनी है टू है हाइएस्ट पावर कितनी है टू है तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी टू हो जाएगी मुश्किलों को कह दिया कि तेरी क्या औकात है मैं तो यूं ही चलूंगा ये तो बस शुरुआत है तो मित्रों लगे रहो आपको सफलता जरूर मिलेगी यार इस वी का जो एक, एंट्रेंस एग्जाम है इसको हमें क्रैक करना है किसी भी हालात में क्रैक करना है क्योंकि हमें वी एल डी ए डॉक्टर बनना है अपने पेरेंट्स के जो सपने हैं ड्रीम्स हैं उनको पूरा करना है तो इस बात को माइंड में रखते हुए अपनी तैयारी कीजिए आप लोगों का जो एडमिशन है सो परसेंट होगा हंड्रेड परसेंट होगा ठीक है तो अब देखिए जो जीरो पोलिनोमियल क्या है उसमें वेरिएबल नहीं होंगे सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म्स होगी लीनियर पोलिनोमियल कौन सा होगा जिसमें एक वेरिएबल होगा क्या होगा एक वेरिएबल होगा या जिसकी डिग्री कितनी होगी एक होगी जिसकी डिग्री कितनी होगी भाई एक होगी ठीक है जिसकी डिग्री एक हो वो लिनियर पोलिनोम कहलाएगा जिसकी डिग्री टू हो वो क्वाड्रेट्रिक पोलिनोम कहलाएगा जिसकी डिग्री तीन हो उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे जीरो पोलिनोमियल में जिसकी डिग्री क्या होगी जीरो होगी तो एक बच्चों बात मेरी याद रखना ठीक है जिसकी डिग्री जिसकी हाईएस्ट पावर जितनी होगी उतनी ही डिग्री होगी जैसे इसकी हाईएस्ट पावर टू है तो इसकी डिग्री भी क्या है टू है और जिसकी हाईएस्ट पावर जीरो है उसको हम जीरो पोलिनोमियल कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल क्या होगा जिसकी पावर कितनी हो हाईएस्ट वन हो जिसकी हाईएस्ट पावर टू होगी बच्चों उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे जिसकी हाईएस्ट पावर थ्री होगी बच्चों उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे तो सब्सक्राइब के बारे में भी बच्चों आपको मैं बता देता हूँ कि ये चैनल है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना उसके साथ साथ एक घंटी का बटन दिखाई देगा उसको दबा देना ताकि आप लोगों को हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और जो ज्ञानवर्धक बातें हैं वो आप तक पहुँचती रहे अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं बच्चों इन चीजों चीजों को टाइप्स ऑफ पोलोमियल डिग्री के आधार पे जो बात करेंगे हम ठीक है तो जिनकी डिग्री जीरो होगी वो कांस्टेंट पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं जीरो पोलिनोमियल भी उनको हम बोल सकते हैं जिनकी डिग्री वन होगी हाईएस्ट पावर वन होगी उनको लीनियर पोलोमियल कहेंगे जिनकी डिग्री टू होगी उनको क्वाड्रेटिक पोलोमियल कहेंगे जिनकी डिग्री तीन होगी उनको क्यूबिक पोलोमियल कहेंगे ये आपके एग्जाम्पल हैं बच्चों ध्यान से देख लो जैसे एक्स है इसके साथ जो डिग्री की बात करता हूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो एट है एक्स की पावर जीरो लिख दो तो और किसी की भी पावर जीरो होती है ना बच्चों वो वन के बराबर होती है इसलिए यहाँ एट आया तो इसकी जो डिग्री है पावर है हाईएस्ट वो जीरो है तो ये कौन सा पोलोमियल होएगा कॉन्स्टेंट पोलोमल या जीरो पोलोम जैसे इसने लिखा x प्लस आठ तो यहाँ x की पावर कितनी है भाई एक है ठीक है तो डिग्री कितनी हो जाएगी एक हो जाएगी हाइएस्ट पावर एक है ना तो डिग्री एक हो जाएगी इसलिए इसको कहते हैं लीनियर पोलोमियल उसके बाद है बच्चों क्वाडरेट्रिक क्वाडरेट्रिक में इसने लिखा थ्री एक्स स्क्वेयर क्या लिखा थ्री एक्स स्क्वेयर ठीक है प्लस में माइनस टू एक्स और प्लस में क्या है आपका सेवन है तो यहाँ देखो एक्स की पावर कितनी है टू एक्स की पावर कितनी है वन तो हाइएस्ट कितनी है टू है टू है तो ये क्या कहलाएगा हमारा क्वाडरेटरी और हाइएस्ट पावर थ्री हो तो उस टाइम क्या कहलाता है क्यूबिक पॉलीनोमियल उम्मीद है बच्चों कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका ठीक है तो फटाफट से एक बार आंसर दे दीजिए भाई ये कौन सा पॉलीनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी इसकी डिग्री पता लगाओ बच्चों पहले तो कितनी है इसकी डिग्री कितनी है एक है यानी हाइएस्ट एक्सपोनेंट हाइय पावर कितनी है एक है तो ऐसे पोलोमियल को हम क्या कहेंगे लीनियर पोलिनियल और जिनकी हाइएस्ट डिग्री टू हो बच्चों उनको हम क्या कहेंगे आप कहोगे सर क्वाड्रेटिक और जिनकी डिग्री तीन है बच्चों उनको हम क्या कहेंगे आप कहोगे सर क्यूबिक पोलनोमियल समझ गए होंगे मेरी बात ठीक है वीडियो क्लास अच्छी लग रही है तो बच्चों लाइक ज़रूर कर देना ठीक है और अब देखिए नेक्स्ट बड़ी अच्छी बात पूछने वाला हूँ यहाँ बताइए भाई लीनियर जो पोलनोमियल होगा उसकी डिग्री कितनी होगी आप कहोगे सर लीनियर की डिग्री वन होगी क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होगी हाईएस्ट पावर देख लो वेरिएबल की कितनी है टू है तो इसकी डिग्री भी टू हो जाएगी क्यूबिक में देख लो भी हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की थ्री है तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्यूबिक पोलनोमियल और डिग्री कितनी हो जाएगी थ्री और एक बात ध्यान रखना बच्चों जब पोलोमियल यानी इसके इक्वल में ये जीरो ना आया तो पोलनोमियल एक्सप्रेशन है जब इसके इक्वल में क्या आ गया जीरो आ गया तो ये पोलिनोमियल इक्वेशन बन गई क्या बन गई पोलिनियल इक्वेशन इक्वल में जीरो को छोड़ के चाहे वन टू थ्री दे दे तो भी ये हमारी क्या कहलाएगी पोलिनोमियल इक्वेशन अब हैं बच्चों भाई इसके एक टेंथ क्लास में हम कंसेप्ट पढ़ते थे मूल निकालिए जीरोस निकालिए ठीक है या रूट्स निकालिए ऐसी बात हम पढ़ते थे तो वो क्या होंगे उनके बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं जैसे जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल फंक्शन की बात करते हैं तो ये क्या है बच्चों कि एक पोलिनोमियल फंक्शन होगा जिसको हम राइट करेंगे इस फॉर्म में ठीक है और या इस फॉर्म में हम इनको राइट करेंगे तो जीरो ऑफ पोलोमियल किसी भी फंक्शन का होगा ना वो क्या होगा सॉल्यूशन होगा उस इक्वेशन का उस इक्वेशन का क्या होगा सॉल्यूशन यानी अब इसका जो सॉल्यूशन हम निकालेंगे तो वहां हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी और जो एक्स की वैल्यू मिलेगी वो इसका क्या होएगा सोल्यूशन होएगा ठीक है बच्चों इनके सो सौ, सोल्व कैसे करना है सोल्व करने की हमें जरूरत नहीं है सीखने की भी जरूरत नहीं है हमें सिर्फ ये करना है भाई हम क्वेश्चन कैसे निकालेंगे वो सीखना है ठीक है ना तो मतलब की बात करेंगे फालतू बात हम यहाँ नहीं करेंगे तो बच्चों इस जीरो ऑफ पोलोमियल को अब आप समझो एक एग्जाम्पल के साथ बड़ा जबरदस्त है ये कंसेप्ट और यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन भी आता है ठीक है तो ए रियल नंबर के इज सेट टू बी जीरो ऑफ ए पोलिनोम की एक रियल नंबर के को हम के को हम किसी भी पोलिनोमियल का जीरो कहेंगे कब कहेंगे तब कहेंगे जब कि जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स की जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमें क्या देगा जीरो देगा जैसे एग्जाम्पल लिया हमने एक्स की पावर थ्री माइनस थ्री एक्स माइनस फोर तो यहाँ बच्चों जब हम इसके अंदर पावर माइनस वन रख रहे हैं ठीक है तो माइनस वन रखेंगे तो इसको जब सोल्व करेंगे तो उत्तर कितना आएगा जीरो के बराबर आएगा जब हमने इसकी वैल्यू चार रखी तो चार रखेंगे तो भी एक इसके इक्वल आएगा जीरो के इक्वल आएगा तो जो माइनस एक हैं और चार हैं आपके वो क्या कहलाएंगे जीरो कहलाएंगे इस पोलिनोमियल के तो ये बात उम्मीद है आपको समझ आ गई है अब आपको पता लग गया कि जीरो ऑफ ए पोलिनोम क्या होते हैं कि जीरो ऑफ पो, ए पोलिनोम होता है ना वो उस पोलिनोम का सोल्यूशन होता है क्या होता है सोल्यूशन उस वैल्यू को जब इस इक्वेशन में रखे, उस रखेंोमिल की इक्वेशन में रखें तो हमेशा इक्वल टू क्या मिलेगा जीरो मिलेगा और इस बात को याद रखना क्वेश्चन करवाऊंगा इसी कंसेप्ट से सारे अब चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बड़ा गजब का क्वेश्चन है बच्चों उम्मीद है आपको पसंद भी आएगा तो ये कहते हैं कि हमें वो क्वाड्रेट्रिक पोलोमियल निकालना है जिसके जीरोज कितने हो माइनस थ्री और फोर हो तो इसको हम कैसे निकालेंगे पहली बात तो क्वाडरेट्रिक का मतलब समझो क्वारनेटरिक क्या होता है जिसकी पावर टू हो जिसकी हाइएस्ट डिग्री कितनी हो टू हो अब इसने जीरोज़ की बात की है तो आपको बड़ा आसान सा तरीका बताता हूँ इनमें ना ये वैल्यू रख रख के देखो पुट करके देखो जिसमें जीरो उत्तर आएगा वो आपका इक्वेशन सही होगी सबसे पहले माइनस थ्री रखो एक्स की जगह एक्स की जगह बच्चों क्या रखो माइनस का थ्री माइनस थ्री का क्या हो गया स्क्वेयर फिर माइनस इंटू माइनस थ्री ठीक है फिर प्लस में क्या आया ट्वेल्व तो ये कितना देगा बच्चों तीन ती ये इंटू माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस में क्या आया 12. तो ये कितना हो गया प्लस आ गया ये तो चौबीस आ गया आना कितना चाहिए था जीरो तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है उसके बाद नेक्स्ट में पुट करके देखो बी ऑप्शन में बी में पुट करो माइनस थ्री का स्क्वेर प्लस इंटू माइनस माइनस थ्री और प्लस में कितना आएगा बारह तीन तीन नौ माइनस तीन प्लस बारह तो ये छः प्लस कितना आया बच्चों बारह यानी अठारह आ गया है तो जीरो के बराबर ये भी नहीं आया तो इसका मतलब ये भी हमारा पोलिनोम नहीं है उसके बाद देखो आप नेक्स्ट जैसे अब नेक्स्ट कौन सा डी वाला ऑप्शन देखो एक बार आप यहां माइनस थ्री पुट करो माइनस थ्री पुट करोगे माइनस थ्री प्लस इंटू माइनस थ्री बाई टू माइनस का सिक्स तो ये देगा नाइन बाई टू ठीक है अब जब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ छः है छः दूनी बारह बारह और तीन कितना हो जाएगा आपका पंद्रह तो माइनस का ये देगा आपको पंद्रह बटे दो ये भी बराबर नहीं है तो ये सी इसका क्या होगा आंसर ये आंसर कैसे होगा देखो अब यहाँ वैल्यू चार पुट करो एक बार आप चार का स्क्वेयर बटे दो माइनस चार, दो. चार दो. तो चार चौके सोलह बटे दो दूना चार माइनस छः सोलह को दो से भाग दो गए आठ और ये माइनस का आठ उत्तर कितना आएगा जीरो जीरो आ गया तो वो हमारा क्या है जीरोज हैं और ये पोलिनोमिल हमारा क्या होगा इसका आंसर नेक्स्ट देखिए कोई दिक्कत नहीं बच्चों वो समझ नहीं आया तो और भी क्वेश्चंस करवाऊँगा सारे समझ आएंगे अब ये कहता है कि विच आर जीरोज ऑफ पोलोमिल इस पोलिनोम के जीरोज कौन से होंगे तो इसने मैंने यही कहा इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करके देखिए जो हमें जीरो आंसर देगा वही हमारा आंसर होगा जैसे एक्स है एक्स की जगह ये प्लस का वन माइनस पहला एग्जांपल पुट करो भाई ठीक है इसने कहा पी ऑफ पी ऑफ वन इज इक्वल टू कितना है वन पुट करो एक्स की जगह तो वन माइनस वन वन माइनस वन ठीक है बच्चों फिर मल्टीप्लाई में वन माइनस तो ये वन माइनस वन तो जीरो दे रहा है बच्चों ठीक है मल्टीप्लाई माइनस वन माइनस वन को या जीरो से जीरो किसी मल्टीप्लाई कर दो आंसर क्या आता है जीरो अब माइनस टू पुट करेंगे इसमें तो यहाँ माइनस थ्री हो जाएगा यहाँ कितना हो जाएगा माइनस फोर हो जाएगा तो ये माइनस ट्वेल्व दे देगा ये आंसर नहीं है अब इसको जीरो करना है इसको जीरो करना है तो वन होना चाहिए प्लस का इसको जीरो करना है तो प्लस का टू होना चाहिए तो वन और टू क्या आ जाएगा आंसर इन वैल्यूज़ को पुट करके भी दिखाता हूँ आपको मैं टेंशन ना लो ठीक है पहले वन पुट करो प्लस का तो यहाँ लिखूंगा मैं कि p ऑफ वन इज इक्वल टू एक्स की जगह क्या रखना है हमें वन माइनस वन ठीक है वन माइनस टू तो जीरो इन टू माइनस वन तो ये तो जीरो देगा फिर x की जगह टू रखो तो ये देगा टू माइनस वन ठीक है मल्टीप्लाई में टू माइनस टू तो टू माइनस टू तो जीरो हो गया मल्टीप्लाई वन तो आंसर कितना आ गया जीरो आ गया तो दोनों में जीरो जीरो आ रहा है ना तो इसका मतलब ये हमारे क्या है जीरोज है इसके सॉल्यूशन है ये आंसर सही रहेगा नेक्स्ट है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलिनोमियल इनमें से कौन सा एक पोलिनोमियल है ये बात बतानी है तो बच्चों मैंने कहा था पोलिनोमियल वो होगा जिसकी पावर पॉजिटिव हो और वो क्या हो होल नंबर हो ठीक है यानी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए इनकी फ्रैक्शन में है भाई ये भी नहीं है इनके स्क्वेयर रूट में है ये भी नहीं है इसकी पावर चेक करो आप पॉजिटिव भी हैं पावर ठीक है और होल नंबर भी है तो ए ऑप्शन क्या रहेगा आपका बिल्कुल सही उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पोलिनोमियल अब इसका आंसर फटाफट से दे दो कि इनमें से कौन सा एक आपका पोलिनोमियल नहीं है तो बच्चों पहला तो हो नहीं सकता या हो सकता है चेक करो फटाफट से जी बच्चों फटाफट से क्वेश्चन करो यार हो जाएगा बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन ध्यान से देखो ऑफ द फॉलोइंग इज इनमें से कौन सा एक पोलिनोम नहीं है तो मैंने कहा था पोलिनोम वो होगा जिसकी पावर पॉजिटिव होगी तो पहले में देखो पावर पॉजिटिव है तो पोलिनोम है पावर सारी पॉजिटिव है तो पोलिनोम है पावर इसमें भी पॉजिटिव है तो पोलिनोम है इसमें देखो इसमें पावर पॉजिटिव नहीं है अब आप कहोगे सर पॉजिटिव कैसे नहीं है भाई ऑप्शन तो तो सी क्या है? आपका बिल्कुल सही। और बच्चों अब एक छोटी सी रिविजन ठीक है अब एक छोटी सी रिविजन कर लेते हैं हम जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ा एक पोलिनोमियल के बारे में कि पोलिनोमियल क्या है एक एक्सप्रेशन है जो कोफिसियंट से वेरिएबल से और कॉन्स्टेंट से बना है जब उनके बीच में ऑपरेटर्स लगे ऑपरेटर्स प्लस माइनस गुणा भाग को ऑपरेटर्स बोलते हैं जी ठीक है समझ गए मेरी बात उसके बाद क्या है ध्यान से देखो ये एट है ये कोफिशियंट एक्सक्वेयर का है ये माइनस फाइव है कोफिशियंट किसका है एक्स का है छः क्या है हमारी कॉन्स्टेंट टर्म है ठीक है और एट एक्स हमारी एक टर्म है फाइव एक्स भी हमारी क्या है एक टर्म है और सिक्स भी क्या है हमारी टर्म्स हैं और ये जो टू है पावर टू है इसकी पावर वन है इनको हम एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं तो बच्चों ये छोटी सी रिवीजन थी और वीडियो के बारे में ज़रूर बताना भाई आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो यार ताकि हम एक दूसरे से जुड़े रहें आप लोगों की और हमारे विचार जो एक दूसरे के साथ शेयर होते रहें ताकि हम जो वीडियोज हैं थोड़ी सी और क्वालिटी से बना सकें ठीक है क्योंकि जब तक आप अपने डाउट्स हमारे साथ शेयर नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम बनी रहेगी ठीक है ना क्योंकि जितनी आप क्वेश्चनिंग करोगे उतने ही आप इंटेलिजेंट बनोगे और जो एग्ज़ाम क्रैक करने का एक छोटी सी मैं कहूँगा जिसको रहस्य है वो यही है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे आप उतना ही ज़्यादा सीखोगे तो क्वेश्चन करने की आदत डाल लो बच्चों अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो ठीक है और वैसे जो काम मैं आपको करवा रहा हूँ नोट्स बनाते जाओ अच्छे से प्रैक्टिस करते जाओ आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करो ताकि हमें भी आपके विचार पता लगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपके डाउट्स में डिस्कस कर लूँगा ठीक है तो अब मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में उससे पहले एक छोटी सी बात और है कि अगर आपको हमारा स्टडी मटेरियल चाहिए तो टेलीग्राम हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेना भाई उसके लिए हमने लिंक दे रखा हमारी टीम का उनको मैसेज करना वो आपको ज्वाइन करवा देंगे और बच्चों वीडियो अच्छी लगी है लाइक ज़रूर करना चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हो ठीक है या हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि ये आपकी अपनी फैमिली है भाई ठीक है इसको आप लोगों को ही चलाना है आप लोगों को सहयोग करना है बच्चों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत